नमस्कार, सुप्रभात। बी ए पॉडकास्ट हिंदी साहित्य जिसके अंतर्गत प्राचीन मध्यकालीन काव्य पर आज प्रकाश डालेंगे। मैं शिषपाल मेर, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 मीलम, श्री विजयनगर। तो आज हम मीरा बाई पे अध्ययन करेंगे, जिसके जो गत क्लास थी उसमें भी हमने मीराबाई के पद, दो पद पे प्रकाश डाला था कि मीरा ने कहा था कि क्या कहा था उसमें कि आली मेरे नैनन बाण पड़ी कि सखी मेरी आंखों को ऐसी आदत बन चुकी है कि सखी मेरे ऐसी आदत बनी हुई है कि नैनन बाण पड़ी चित चढ़ी माधुरी मूर्ति उर विच आन गड़ी कि श्री कृष्ण जी की वो माधुरी मूर्ति तस्वीर मेरे हृदय के अंदर इस प्रकार से विराजमान हो चुकी है कि वो निकालने से नहीं निकलती। चित चढ़ी माधुरी मूर्ति उर विच आन पड़ी, कहते हैं कि अब इस प्रकार से उनका लगाव हो गया श्री कृष्ण जी के प्रति, उनका हमने परिचय पढ़ लिया, इनका जन्म के बारे में हमने प्रकाश डाला। तो मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी चल रहे होंगे, आप वीडियो पूरा देखें तो आपके जो पीछे की क्लासें हुई है वो भी आपके समझ में आ जाएगी कि आली मेरे नैनन बाण पड़ी चित चढ़ी माधुरी मूर्ति उर विच आन पड़ी, या इनके जो पद है इन पे थोड़ा अपने प्रकाश डालते हैं कौन कौन से पद है। वैसे आपको वैसे मौखिक की याद ही होते हैं, मेरा तो आसान है, सबको वैसे ही कक्षा 6 से ही अपने इनको पढ़ते आ रहे हैं कि कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति है सोई। इस प्रकार से देखा होगा कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो श्री कृष्ण, सांवरे का मतलब यहाँ श्री कृष्ण, क्योंकि मीरा है अपने श्री कृष्ण को क्या माना है, पतिदेव माना है। तो क्या कहते हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग में रंगी गई साजी श्रृंगार पग बांध घुंघरू लोक लाज सभ्यता जी। और इसी प्रकार से आपको पता होगा कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, एक इनका एक पद आता है बड़ा ही प्यारा सा, मैं तो किसके घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं सखी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। देखो श्री कृष्ण जी के प्रति इतना अच्छा लगाव, कहते हैं मैं उनके घर जाना चाहती हूँ, क्या कहते हैं मैं तो गिरधर के घर जाऊं। तो आगे बताया है गिरधर मारो सच्चो प्रीतम है, जो मेरा प्रीतम है सच्चा प्रीतम है वो कौन है, गिरधर है श्री कृष्ण है, देख रूप लुभाऊं उनका रूप सौंदर्य को देखकर मैं उन पर मोहित हो जाऊं। और क्या कहती हैं, देखो अपने पति के आदेश में रहना चाहती है, उनके साथ अपना क्या बताते हैं साथ ही रहना चाहती है। तो क्या कहते हैं कि जैसा मेरा प्रीतम कहे वैसा ही मैं करूं। तो क्या बताया है इसमें कि रेन पड़े उठ जाऊं, कहते हैं कि रात्रि होती है जैसे भोर होगी तो प्रीतम कहेंगे उठ जाना है तो उठ जाऊंगी, जो पहनावे सो पहनू। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि मीरा कहती है जैसे ही श्री कृष्ण कहेंगे वैसे ही मैं पहनूंगी। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से कहते हैं मैं तो गिरधर के रंगराची, मैं तो गिरधर के रंगराची, रंगराची का मतलब होता है मैं उसमें रम गई। मीरा के पद तो बड़ा ही मीठा सा पद, देखो मैं तो गिरधर के रंग राची मैया, मैं तो गिरधर के रंग राची, मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंगी गई, पंच रंग चोला पैर सकी मैं जिरमिट खेलन जाती, वहां जिरमिट में मैंने सांवरियो मिलो खेल मिलो दिन राती, जाका पिया विदेश बसत है लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मारे घट में बसत है न आती न जाती, बोली बोली दुनिया कहते हैं कि द्वारका जाती तीर्थ कर आती, गंगा यमुना हमारे घट में बसत है स्नान करूं दिन राती। ये इनका पद था। इसी प्रकार से एक इनका और ही पद आता है, पता होगा आपको, ये मैं मोटे मोटे तौर पर आपको प्रकाश में डाल रहा हूँ कि आपको याद रहे। क्या कहते हैं, पिया बिना छुनो छे मारो देश, कि प्रीतम के बिना सब सुनना है, पियो बिना सुनो छे मारो देश, ऐसो है कोई प्रीतम मिलावे,
ऐसो है कोई कृत्रिम मिलावे तन मन करूं तेस, जा कारण बन पन डोलू कर जो गुण को भेस, अवधि बढ़ावे अवधि बढ़ावे अजू न आवे पंडर पड़ गया केस। देखो ऐसा था, इसी प्रकार से पग बांध घुंगरू मीरा नाची, क्या कहते पग बांध घुंगरू मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नसी रे। तो क्या बताते हैं, जोगिया जी निस दिन जो थारी बाट, कहते हैं मैं आपकी इस देव ही क्या करती हूँ, बाट जोतती रहती हूँ, रास्ता देखती रहती हूँ। जोगिया का मतलब यहाँ श्री कृष्ण के लिए है कि जोगिया निस दिन जो थारी बाट, इसी प्रकार से कि दर्शन बिन दुखन लागियो नैन, आपके बिना तो मेरे आंखें ना वो भी दर्श करना शुरू कर दिया, क्योंकि दर्श बिना आपके दर्शन के बिना आंखें हैं वो भी उसमें भी दर्द होता है, दर्श बिना दुखन लागियो ने, जब से प्रभु तुम बिछड़े कबू ना पायो चैन, जब से आपका बिछो हुआ है मैंने कभी चैन नहीं लिया। तो इसी प्रकार से आगे इनका एक और पद आता है, आपको तो लगभग सभी को आता ही होगा, कोई कई ओरे प्रभु आवन की, कोई कई ओरे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, कहते मन को बने वाले श्री कृष्ण के बारे में बताना कि वो कब आएंगे, तो क्या कहते हैं कोई कई ओरे प्रभु आवन की मन भावन की, कहते मेरे मन को बने वाले मेरे को और कोई अच्छा नहीं लगता, मेरा निकाह था ना एक जगह उन बिन सब जग खारो लागत है, कहते हैं कि उनके बिना सब चीजें मेरे को खारी लगती है, और बात सब कच्ची और बात सब कच्ची है, सच्चा मेरा जो मित्र है मेरा मीत है मेरा जो पति है वो ही है श्री कृष्ण है, उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब कच्ची। इसी प्रकार से एक पद और आता है कि कोई कई ओर मैंने बताया आपको, कोई कई ओर प्रभु आवन की मन भावन की, आप नहीं आवे लिख नहीं भेजे बान पड़े ललचावन की, ओ दो नैन मेरो के ओ नैमाने नीर भेजे से सावन की। इसी प्रकार से कहा था कि लागी सो जाने कठिन लागन की पीर, वह गाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर, विपत्ति पड़िया कोई नेड़े नहीं आवे सुख में सबको सी। एक देखो ये जो मीरा थी इनकी जो भक्ति भावना थी वो सगुण की थी, लेकिन कहीं कहीं पे इनके एक दो पद ऐसे भी आते हैं जो निराकार के दर्शन करवाते हैं, जो देखो कि सगुण और निर्गुण के भी इसमें क्या कराते हैं, कहीं कहीं दर्शन होते हैं। तो आपको वो पद मैं सुनाता हूँ, कौन सा होगा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसको पाए सुख दुख बोलो मन आनंद समायो, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने क्या पाया राम का जो रतन धन पा लिया है, राम रूपी जो रतन धन पाया है। तो क्या कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसको पाए सब दुख भूलिया मन आनंद समायो, उसको पाने के बाद में सुख की प्राप्ति होगी दुख चलेगे। क्या बताते हैं आगे कि पायो जी राम रतन धन पायो, जिनको पाए सुख दुख भूलिया मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबू न होवे, जो आप पढ़ते हो इसकी कभी चोरी नहीं हो सकती, न इसको भाई बंटा सकता है, कोई इसका बंटवारा नहीं हो सकता, जो आप पढ़ते हो जो विद्या है। इसी प्रकार ईश्वर का जो नाम का जो जाप करता है, ईश्वर को सिमरन करता है, उसका भी क्या नहीं कर सकता, कोई बंटवारा नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं कि खर्चु लाभ खत्म नहीं हो, जिस प्रकार से पढ़ते हो इसको पढ़ते जाओ खर्चते जाओ, तो खर्चो लाख खत्म नहीं है, लाख बार इसको खर्च कर दो खत्म नहीं होती, खर्चो लाख खत्म नहीं हुआ है, दिन दिन बढ़त सुवायो, ये रात दिन बढ़ता ही जाएगा जितने विद्या रूपी है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो राम रतन रूपी जो धन है इसको जितने भी खर्च करो ये क्या करते हैं बढ़ता ही बढ़ता जाता है। ये इनके पद थे मीरा के, जो मैंने आपको थोड़ा ध्यान में डाला है कि आपको याद रहे कि आदि मेरे नैनन बांध पड़े, मेरे तो गिद्धर गोपाल दूसरो नहीं कोई, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो किसके रंग में रंग राची का मतलब होता है उसी के रंग में लीन हो जाना, मिल जाना, एकाकार की स्थिति हो जाना। तो आज हम एक इनका जो पद है उस पर प्रकाश डालेंगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगा और साथ साथ में आप भी अपने एक रजिस्टर हो आपके पास और आप भी लिखते जाओगे, साथ साथ कदम दर कदम चलोगे तो हम हमारी जो मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा देह है, उस तक हम पहुंचने में आसानी रहेगी। तो मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ कि मैं तो सांवरे के रंग राजी, इस पे हम प्रकाश डालेंगे, मैं तो सांवरे के रंग राजी।
अपने पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट, क्या है बीए पार्ट फर्स्ट है जो हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य ये आपकी साहित्य सा वीडियो है। हिंदी साहित्य में अग्नि काव्य पढ़ रहे हैं, इसमें अपने मीरा पढ़ रहे हैं। मीरा तो क्या कहते हैं, मीरा मैं तो सांवरे के रंग राची, 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 साजी सिंगारी साजी साजी सिंगारी पग बांध ढूंढ, पग बांध घूंघरू लोक लाज ताजी, साजी श्रृंगार पकवान घूंघरू लोक लाज ताजी, आगे गई कुमति, गई कुमति लई साध के संगति, लई साध की संगति, गई कुमति लई साध की संगति, काल ज्ञान से बच्चे, काल ज्ञान से बच्चे, आगे गाए गाए हरि के गुण, गाए 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 हरि के गुण, गाए गाए हरि के गुण, हरि के गुण, गाए गाए हरि के गुण, गाए गाए हरि के गुण, आगे उन दिन सब जग खारो लागत है, उन दिन सब जग जग खारो लागत है, लागत है और बात सब काची, और बात सब काची, मीरा के गिर्द लाल शू, मीरा के गिर्द लाल शू, भगत रसीली जांची, भगत रसीली जांची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगारी पगवान घुंघरू लोक लाज ताजी, गई कुमति नई साध की संगति, काल ज्ञान से बाची, गाय गाय हरि के गुण, उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची, उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची, मीरा के गिर्द लाल शून भगत रसीली जंची। तो ये है पद मीरा का, इसमें अपने सहप्रसंग व्याख्या करें तो किस प्रकार से करें, ये आएगा तो वहां पे अपने लेखक का नाम लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे नाम हो गया मीरा, और अपने जो पुस्तक है उसका नाम बताना पड़ता है, तो प्राचीन मध्यकालीन काव्य, प्राचीन और मध्यकालीन काव्य, तो आपको पता है ये आपके तीन बुक्स है, प्राचीन मध्यकालीन काव्य होगी, एक कथा साहित्य होगी और ये हो गया उपन्यास। चले मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा कहती है मैं तो सांवरे के रंग में रंगी गई, मैं सांवरे के रंग राची, सांवरे के रंग में रंगी गई, एकाकार की स्थिति होगी, उसी के रंग में मैं डूब चुकी हूँ, एकाकार की स्थिति में आ चुकी हूँ। क्या कहा साजी श्रृंगार, मैंने श्रृंगार किया है, आपको पता होगा कि मीरा विधवा थी, मीरा का पति भोजराज था, उसके जब मृत्यु हो जाती है तो ये श्री कृष्ण भक्ति में
लीन हो जाती है और पति किसको मानती है, श्री कृष्ण को। तो कहते हैं मैंने सज कर श्रृंगार किया श्री कृष्ण के लिए, साजी श्रृंगारे, मैंने इनके लिए श्रृंगार किया श्री कृष्ण के लिए, पग में क्या बांध लिए घूंगरे, जैसे जैसे मेरे मैं नृत्य करके मेरे प्रीतम को क्या करूँ, खुश करूँ। और प्रीतम खुश होगा कब, जब मैं क्या करें उनके प्रति श्रृंगार करूंगी, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम होता है वो भी अलौकिक होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे वो प्रेम बताए दंपति प्रेम। तो क्या बताए, साजे श्रृंगार, मैंने सज के श्रृंगार किया है, पग में क्या बांध लिया घूंघरु, बांध लिए है लोकलाज सप्ता जी, लोकलाज को मैंने छोड़ दिया है। लोकलाज सबसे बड़ी बात थी, बात आई आती है भक्ति के मार्ग में। एक गुरबाणी में एक पद आता है, तज लाज अहंकार सब तजिए मेरे साथ संगत रहिए। जब आप ये लोकलाज छोड़ दोगे, क्योंकि ये मेरा थी, ये उस कुल से थी, और ये जब क्या है कि जब दूसरों से मिलती थी तो घरवाले इनसे घृणा किया करते थे। राणा ने पता नहीं कितना इनको कष्ट दिया था, राणा ने इनको कितना कष्ट दिया था, लेकिन फिर भी अपने भक्ति मार्ग से अडिग रही और अपने मंजिल को प्राप्त किया श्री कृष्ण द्वारका, जिसके जो वहां मूर्ति थी उसमें लीन होगी, जो आपको पता होगा, बताया था मैंने। तो कहते हैं साजी श्रृंगारे, मैंने सज के श्रृंगार करके पग में क्या बांध दिए घुंघरू, घुंघरू क्यों बांधे, तुमको खुश करने के लिए। कहते हैं लोकलाज सत्ता जी, लोकलाज को छोड़ दिया मैंने, ये लोकलाज ये सबसे बड़ी बात तक है। तो क्या बताए, गई कुमती, मेरी अविवेक था वो चला गया, जो मेरे अंदर विषय विकार थे वो चले गए सारे के सारे। तो क्या बताए, कुमति गई मेरे के अंदर, कुमति नहीं रही मेरे अंदर। ये देखो कुमति कौन सी होती है, ये जो ऊंच नीच होती है, छुआ छूत, ये चली गई, कुमति गई मेरे अंदर। मैं एकाकार की स्थिति में आ गई, मैं सबको एक ही नजर से देखती हूँ। तो कहते हैं कि गई कुमति, मैं कब गई ये कुमति, कहते हैं जब मैं किसकी शक्ति में गई, साधुओं की संगति में गई, साधुओं के उनकी सत्संग किया, उनका सत्संग सुना, तो मेरे अंदर सब कुमति चली गई और साधु की संगति में ली, काल व्यास से बांची, काल रूपी सर्प, याद का मतलब होता सर्प है, काल रूपी सर्प से मैं क्या हो गई, अब बच चुकी हूँ। देखो सब काल का सब क्या बन जाएंगे, हम सब ग्रास बन जाएंगे काल के, लेकिन मीरा यहाँ पे क्या कहती है, मैं काल से अब बच चुकी हूँ। कब बची हूँ, जब मैं किसको अपनाया है, सावे को अपनाया है, किसी को अपनाया है, काल व्याल से बची, मैं उनसे बच चुकी हूँ, क्योंकि अब मेरा जो प्रीतम है कौन है, श्री कृष्ण। आगे गाय गाय हरि के गुण, अब मैं तो एक ही कीर्तन कर रही हूँ, उन्हें एक ही प्रार्थना कर रही हूँ, किसकी, श्री कृष्ण की, सामने की, गाय गाय हरि के गुण, मैं उनका गुणगान कर रही हूँ। अब देखो सबसे बड़ी बात यही है, इतना ये बात महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द है ना, ये अमूल्य शब्द है, इसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते। क्या बताए कि उन बिना सब जग खारो लागत है, श्री कृष्ण जी के बिना सारा संसार खारा लगता है, हमें मीठा लगता है, उल्टा हुआ पड़ा है ना। यहाँ पे मीरा क्या कहती है, उन बिना सब जग खारो लागत है, तभी तो मीरा की सास ने कहा था कि सास कहे कुल ना सिरे, लोग कहे मीरा भई बावली, सास कहे कुल ना सिरे, लोगों ने कहा कि मीरा क्या हो गया, बावली बन चुकी है। और सास ने कहा कि क्या कहते हैं, सास कहे कुल ना सिरे, आगे ना बात लोकलाज की, भई सास कहे कुल ना सिरे, कुल कुल क्या कर दिया, इसने दाग लगा दिया। कोई भक्ति करता है सबसे बड़ी बात है ये लोकलाज आती है सबसे। तो ये बात इसमें बताई, एक उन बिन सब जग क्या लागत है, खारो लागत है। कहते हैं संसार में कोई भी चीज मेरे को प्रिय नहीं लगती, सब खाई लगती है मेरे प्रीतम के बिना, उन्हें बिना सब जग खारो लागत है, और बात सब कच्ची, देखो और बात सब कच्ची, सब बात कच्ची है और कोई बात सच्ची नहीं है। बात कच्ची का मतलब जो इन आंखों से हम देख रहे हैं, जो भी हम हमारी जहां भी दृष्टि जाती है, एक न एक न ये क्या है, नाशवान है, ये फना की दायरे में आती है, और बात सब कच्ची, ये बात कच्ची है। पक्की बात कौन सी है, पक्की बात एक ये सांवरे के रंग में रंगे जाना, वो बात तो पक्की है, और बात सब कच्ची है। तो क्या कहते हैं, उन बिन सब जग खारो, रास्ता नहीं भाषा है ये साथ में,
मिश्रित है, भारत राजस्थानी मिश्रित भाषा है। तो कहते उन दिन सब जग खारो लागत है, इनके बिना सारा संसार खारा लगता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, एकाकार की स्थिति आ जाती है, दो से एक रूप हो गए, दो से एक रूप बन जाता है, तब हमें कुछ जो उसका देह होता है उसको प्राप्ति होती है। तो कहते हैं उन बिना सब जग खारो लागत है और बात सब कच्ची, मेरा उनके बिना खारा लगता है, सब बात कच्ची लगती है। मीरा के गिरद लाल शिव भक्त रसीदी जांची, कहते मीरा के श्री कृष्ण है उनकी जो भक्ति है वो क्या है, बड़ी ही मीठी है। उसके बिना वो ही मैंने क्या किया कि उसमें ही मैं रम गई हूँ, उसमें मैं क्या हो गई हूँ, लीन हो गई हूँ। तो ये पद है, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। तो ये था आपने इस पे प्रकाश डाला हमने, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के, देखो अब वापिस अपने शॉर्ट में चले, मैं तो सांवरे के रंग में रंगी गई हूँ, उनके लिए मैंने श्रृंगार किया है, पग में क्या बांधे हैं, घुंघरू बांधे हैं, और लोकलाज को मैंने छोड़ दिया है। अब ये लोकलाज छोड़ दिया है, पहले मेरे अंदर जो मस्ती थी वो निकल गई है, अविवेक निकल गया, और ये कब निकला, जब साधु की संगति में गई, साधु की संगति में जाने से काल उनके सबसे मैं बच चुकी हूँ। ये कब बची, जब मैंने क्या गाया, गाए गई हरि के गुण, हरि यहाँ आएगा श्री कृष्ण के लिए। कहते हैं इनके बिना सारा जग क्या लगता है, खारा लगता है, और बात सब कच्ची लगती है, पक्की बात श्री कृष्ण ही है। मीरा क्या कहते हैं आगे, मीरा गिरधर लाल सिंह भगत रसीदी जानकी, मीरा कहते हैं मैं तो श्री कृष्ण से, गिरधर का मतलब यहाँ श्री कृष्ण आया है, उनके साथ जो भक्ति है वो रसीली है, उसको मैंने पत्थर, उसको मैंने जानता है, जो क्या है मीठा पर लिए हुए हैं। अब दूसरा पद है वो बोर्ड पर लिखने के बजाय आसान से है, आपको वैसे ही मैं क्या है अवगत करवा रहा हूँ। आगे का जो पद होगा वो देखना कि मैं तो गिर क्या देखना कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मीरा कहती है मैं किसके घर जाना चाहती हूँ, गिरधर के घर जाना चाहती हूँ। गिरधर का मतलब गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गिरी को धारण कब किया था, जब ब्रज की रक्षा करने के लिए, वो बहुत बड़े क्या है कि डिटेल में है, वो बाद में समझाएंगे आपको। तो आगे क्या बताया है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, कहते मैं गिरधर के घर जाना चाहती हूँ। तो क्या बताए गिरधर मारो साचो प्रीतम, मेरा जो प्रीतम है सच्चा प्रीतम है, क्योंकि यह बताया था ना कि उन बिन शब्द खारो लगता है। तो कहते गिरधर मारो साचो प्रीतम, देख रूप लुभाओ, कहते उसका रूप सौंदर्य का पान मैं करती रहूं श्री कृष्ण का, साचो जाओ प्रीतम है। इसी प्रकार कहते हैं रेन पड़िया उठ जाओ, कहते रात्रि होती है मैं सो जाऊंगी, जैसे बोर होगी मैं उठ जाऊंगी, कब उठूंगी जब मेरा प्रीतम कहेगा। तो इसी प्रकार से इनका ये आसान सा पद है, आशा करता हूँ कि आप उसको ध्यान से देखना, मनन करना। मीरा के ये जो पद है बड़े मीठे मीठे वैसे आपको याद होंगे। तो आज बस इतना ही करेंगे अपने, और आगामी क्लास में मीरा का जो पद दो तीन बच्चे हैं उसे प्रकाश डाल के फिर नया का काम शुरू करेंगे। तो आप साथ साथ में ये बने रहिए, बस आत्माएं घर पे रहें, पढ़ते रहें, बस अपने पढ़ते ही रहें, जो देह मुख्य वही रखें। धन्यवाद।